हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी होममेड क्रंची वेज पैटीज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, तेल गरम हो गया है, डाल देंगे एक मुट्ठी पीनट्स और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पीनट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको तेल से निकाल लेते हैं। तो अभी इसी तेल में हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे एक चम्मच ग्रेट किए हुए अदरक और 3 से 4 चॉप किए हुए हरी मिर्च। और अभी प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, डाल देंगे चॉप किए हुए बंद गोभी। यहाँ पर हमने छोटी कटोरी से 2 कटोरी चॉप किए हुए बंद गोभी लिया है। बंद गोभी डालने के बाद अभी डाल देंगे मसाले, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर हम काला नमक डाल रहे हैं। और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अभी हम डाल देंगे मैश्ड किए हुए आलू। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज के आलू को बॉईल करके मैश्ड कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है। अभी इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए पीनट्स। वेज पैटीज का स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। अभी हम एक डो बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 4 कप मैदा, इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच तेल। तो देखिए मैदे में काफ़ी अच्छा बाइंडिंग आया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करके पूरी के लिए जैसे डो बनाते हैं वैसे एक डो बना लेंगे। तो देखिए हमने एक डो बना लिया है। अभी इससे पूरी के लिए जैसे डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़े साइज का लुई हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे लुई हमने काट कर तैयार कर लिया है। अभी मैदा और कॉर्नफ्लोर से एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 चम्मच मैदा, इसमें डाल देंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद रिफाइंड ऑयल डालकर एक थिक पेस्ट हम बना लेंगे। तो देखिए हमने एक थिक पेस्ट बना लिया है।
और अभी चकले के ऊपर पहला वाला लुई लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी मैदा छिड़क कर एक बड़ा सा रोटी हम बेल लेंगे। और ये रोटी ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा मोटा होगा। तो देखिए हमने एक बड़ा सा रोटी बेल लिया है, ऐसे सारी रोटी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। सारी रोटियां हमने बेल लिया है। अभी थाली में हमने पहला वाला एक रोटी लिया है, इसके ऊपर मैदा, तेल और कॉर्नफ्लावर का हमने जो एक पेस्ट बनाया है वो अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से मैदा, कॉर्नफ्लावर और तेल का पेस्ट लगा लिया है। अभी इसके ऊपर और एक रोटी रख देंगे और इस वाली रोटी के ऊपर हम फिर से मैदा, कॉर्नफ्लावर और तेल का जो पेस्ट है वो लगा लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर फिर से और एक रोटी रखेंगे, ऐसे मैदा, कॉर्नफ्लावर और तेल का पेस्ट हम लगाएंगे और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 रोटी कॉर्नफ्लावर, मैदा और तेल का मिक्सचर लगाते हुए एक के ऊपर एक हमने रख दिया है। अभी छुरी की मदद से रोटी को हमें स्क्वायर शेप में काटना है। तो देखिए स्क्वायर शेप में हमने रोटी को काट लिया है। अभी इस रोटी को हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। और अभी पहला वाला पफ का एक शीट लिया है हमने, इसको हल्के हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है और इसके ठीक बीच में हमने रख दिया स्टफिंग। अभी हल्के हाथों से इसे प्रेस करके हम बंद कर लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लेयर्स इसमें हमें दिख रहा है। अभी ऐसे ही दूसरा वाला भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए दूसरा वाला वेज पैटीज भी हमने बना लिया है, ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो अभी एक एक करके वेज पैटीज को हम फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए बिठा दिया था, तेल हल्का गरम हो गया है। अभी मीडियम फ्लेम पर एक एक करके वेज पैटीज को हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसे हम दूसरी तरफ से पलट देते हैं। तो देखिए पहला वाला पैटीज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे हम तेल से निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।